वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सोमवार को सर्वे के दौरान एक शिवलिंग मिलने की खबरें सामने आने के बाद शहर में अनोखी स्थिति बन गई है। ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान यहां के वजूखाने में एक 12 फीट लंबा शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी, जिस पर अदालत ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को संरक्षित करने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में शिवलिंग मिलने को लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार शाम प्रशासन और CRPF ने वो स्थान सील कर दिया है जहां पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। वहीं ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी अपील की गई है। सोमवार को दायर एक याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी के एक तालाब में शिवलिंग मिला है। ऐसे में ASI से इसके सर्वे कराने की मांग बिल्कुल जायज थी। कोर्ट को ASI के सर्वे पर लगी रोक को हटा देना चाहिए। इससे पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI द्वारा ज्ञानवापी के सर्वे करने की मांग को स्टे पर रख दिया था। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से जिरह पूरी हो गई है। अब कोर्ट में 20 मई को अगली सुनवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लखनऊ में योगी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लखनऊ में PM मोदी सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री सरकारी कामकाज पर फीडबैक देंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री अपने अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री को सारी जानकारी देंगे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने एक सभा के दौरान कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद की तरह कुर्बान नहीं किया जा सकता है। मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के दौरे पर गए। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। PM मोदी नेपाल में एक कार्यक्रम में शामिल भी हुए। शाम को प्रधानमंत्री नेपाल के रास्ते कुशीनगर वापस पहुंचे और यहां पर भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। मोदी कुशीनगर से लखनऊ के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कुशीनगर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की।